हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोला जाता है और जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गया है, तो शुगर की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, तो शुगर की सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हर एक दवाइयों के बारे में, शुगर की सारी दवाइयों के बारे में यहां पर पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, इन दवाइयों के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले बात करें, यह डायबिटीज जो होता है इसको डायबिटीज मिलिटस भी कहा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि यह डायबिटीज होता क्या है, यह शुगर की बीमारी होता क्या है। बहुत सारे लोगों को सुनते हुए आ रहे हैं, 95% हर घरों में देखेंगे किसी ना किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहता ही है। जब आपके घरों में कोई रिश्तेदार आते हैं, घरों में चाय बनता है, तो कहते हैं चाय में शुगर की मात्रा कम डालिएगा। क्यों? क्योंकि उनको शुगर की बीमारी हुआ रहता है। तो यह डायबिटीज होता क्या है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये ऐसे ग्रुप की बीमारी होते हैं जिसमें देखा जाता है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हाई ब्लड ग्लूकोज भी कहा जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, शुगर के मरीज बोला जाता है। इतना बात समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को। डायबिटीज के बारे में बात करें तो डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्केट में दवाइयां आती हैं और इन्हीं सारी दवाइयों के बारे में हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे भी। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट। ये मेटफॉर्मिन टैबलेट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं। ये है दोस्तों ग्लाइसीफेज टैबलेट, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है मेटफॉर्मिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का 500 mg का ये मेडिसिन होता है। अब हम बात करें, ये जो मेटफॉर्मिन टैबलेट होता है, इनका मेन काम होता है कि अगर किसी के शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको ये कंट्रोल करने में, नॉर्मल करने में यूजफुल माने जाते हैं। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में एक से दो बार दिया जा सकता है इसको। इसी तरह से शुगर की और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ग्लिमपाइराइड टैबलेट। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। ये है एमरिल, जो कि 2 mg का ये मेडिसिन होता है। एमरिल का साल्ट नेम जो होता है दोस्तों वो होता है ग्लिमपाइराइड टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। और हम बात करें, ये मेडिसिन जो होता है सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इतना बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ये भी मेडिसिन शुगर की दवा होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में यूजफुल ये भी मेडिसिन माना जाता है। इसी तरह से शुगर की और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है ग्लिकलाजाइड। अब ये क्या होता है, इस तरह के मेडिसिन में ध्यान रखना है आप लोगों को, माइड आएगा, जाइड आएगा, ऐसे बहुत सारे फार्मूले इसमें यूज होते हैं। जैसे कि ग्लिमपाइराइड, राइड हो गया, माइड हो गया, जाइड हो गया, इस तरह से जाते हैं। जैसे ग्लिमपाइराइड हो गया, उसी तरह से यहां पर ग्लाइसीफेज ये तो है, ये हो गया ग्लिमपाइराइड, और ये देखिए ग्लिकलाजाइड, तो राइड हो गया, जाइड यहां पर देखिए आ रहा है, जो कि ये मेडिसिन जो होता है ग्लिकलाजाइड, जो कि ये ग्लाइजिड 80 के नाम से फेमस होता है, GLIZID ग्लाइजिड 80 के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है ग्लिकलाजाइड टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। 80 mg के ये टैबलेट होते हैं और इसका भी वही काम होता है, ये भी हाई ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करते हैं, जिसका डोज होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इसको भी दिया जा सकता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि ग्लाइपीजाइड। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जिन मेडिसिन के अंत में राइड आए, जाइड आए, माइड आए, ये सारी दवाइयां शुगर की दवाइयां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है राइड, ग्लिमपाइराइड, इसके बाद आप सभी लोगों को बताएं ग्लिकलाजाइड। तो एक आ गया राइड, एक आ गया जाइड, ये चीज आया ना। अब देखिए यहां पर भी देखिए जाइड आया हुआ है, जैसे कि ग्लाइपीजाइड, यस आर टैबलेट। थोड़ा सा इसके बारे में और भी समझ लेते हैं। ये दोस्तों ग्लाइनेस यक्सेल के नाम से फेमस होता है, 10 mg की ये मेडिसिन होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है ग्लाइपीजाइड यस आर टैबलेट।
और ये भी मेडिसिन का वही काम होता है, ये भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, शुगर के पेशेंट को दिए जाने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। तो इसके डोज के बारे में बात करें तो डोज इसका भी वही सेम होता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है, और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्केट में शुगर की दवाइयां आती हैं। अभी तक देखिए राइड और जाइड, ये दो तरह के मेडिसिन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं माइड की बारी। माइड की बारी अब शुरू होता है, नहीं तो यहां से हम लोगों ने देखा है, ये हो गया ग्लिम्पाई, राइड और जाइड के दो एग्जांपल, ग्लिक्लाजाइड और ग्लाइपीजाइड। तो दो जाइड वाला एग्जांपल हो गया। अब माइड के बारे में समझ लेते हैं, वो भी शुगर की दवा होता है, जैसे कि दोस्तों ग्लिबेनक्लामाइड, जो कि ये डाउनिल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो ये डाउनिल के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है ग्लिबेनक्लामाइड टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया के 5 mg के ये मेडिसिन होते हैं, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये दवा बनाया गया है। अगर हम बात करें तो ये भी मेडिसिन शुगर के पेशेंट को दिए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है। समझ गए। तो ये भी मेडिसिन शुगर के पेशेंट को दिए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। अब डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं इनमें से कोई भी एक मेडिसिन को चला देते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों ये है पायोग्लाइटाजोन टैबलेट। अब देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब समझते हैं। ये दोस्तों जो मेडिसिन होता है ये पायोग्लिट के नाम से फेमस होता है, पायोग्लिट 15, जिसका साथ नेम होता है पायोग्लाइटाजोन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें कि इसका क्या काम होता है, तो ये भी मेडिसिन शुगर के पेशेंट को देने वाले मेडिसिन होते हैं। जिसके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इस मेडिसिन को भी दिया जा सकता है। अब वो डिसाइड किया जाता है ब्लड में शुगर का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो दिन भर में 1 बार खाने की सलाह दिया जाता है, ज्यादा बढ़ा हुआ है तो 1 बार सुबह 1 टेबलेट और 1 टेबलेट शाम को, इस तरह से डेली 1 से 2 टेबलेट खाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी शुगर की दवाइयां होती हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है रोजिग्लाइटाजोन। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला और भी आप रख सकते हैं, जैसे कि राइड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, जाइड के बारे में समझ लिया है, माइड के बारे में समझ लिया है, अब जोन के बारे में समझते हैं, जेड ओ एन, जैसे कि पायोग्लाइटाजोन, तो इसके बारे में तो समझ लिया है, लेकिन और भी जोन नाम से मेडिसिन शुगर की आते हैं। जैसे कि पहला तो पायोग्लाइटाजोन समझ लिया, एक और भी होता है जैसे कि रोजिग्लाइटाजोन, तो यहां पर भी देखिए जोन आया हुआ है जेड ओ एन ई, रोजिग्लाइटाजोन। थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये मेडिसिन होता है रोजिग्लाइटाजोन स्टार्टअप 4 mg के ये मेडिसिन होते हैं। तो ये भी मेडिसिन जो होते हैं एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हाई ब्लड ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो बढ़े हुए हैं उसको ये कम करने का काम करते हैं। समझ गए। शुगर के पेशेंट को देने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेडिसिन शुगर के होते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक लगा करके समझेंगे तो आपकी जुबान पर हमेशा के लिए ये सारे मेडिसिन याद हो जाएंगे। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है दापाग्लिप्लोजिन। आप देखिए ये फोर्सिका के नाम से जाना जाता है, डापा ग्लिप्लोजिन टैबलेट 10 mg के ये मेडिसिन होते हैं, जो कि ये फोर्सिका के नाम से फेमस होता है, और ये भी मेडिसिन शुगर के पेशेंट को देने वाले ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। और इनके भी अगर डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में ओडी से वीडी मतलब 1 से 2 बार दिया जा सकता है, वो भी पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। समझ गए। और ये भी शुगर की दवा होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने का ये भी मेडिसिन काम करता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि टेनिग्लिप्टन। अब ये देखिए थोड़े से इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये जो होता है जीटेन के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है टेनिग्लिप्टिन टैबलेट 20 mg के। ये भी मेडिसिन होते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं, शुगर के पेशेंट के देने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। अगर इसके भी डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इस मेडिसिन को भी दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। आई होप आप सभी लोगों को
ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों को शुगर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाइयों को समझाने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी बताइए। जैसे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि कितने सारे लोग देख रहे हैं, बस कमेंट से ही पता चलता है, तो एक कमेंट आप जरूर करना जिससे हमें थोड़ा बहुत अनुमान लगे। जाने से पहले एक बार और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन इसमें फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है और आगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।